कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा बाबा साहब अंबेडकर के विचार को कमजोर करने का काम कर रही है। भाजपा ने युवाओं को बेरोजगार बना दिया है और पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा महंगाई भाजपा ने हमारे देश में कर दी है। भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर जीतू पटवारी ने अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज संकल्प लेने की जरूरत है कि हम आरक्षण और लोकतंत्र को जिंदा रखें। भाजपा बाबा साहब अंबेडकर के विचार को कमजोर करने का काम कर रही है। भाजपा के वचन पत्र पर निशाना साधते हुए जीतू पटवारी ने कहा, भाजपा ने करोड़ों लोगों को गरीब बना दिया, युवाओं को बेरोजगार बना दिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा महंगाई भाजपा ने हमारे देश में कर दी है। देश के 10% लोगों के पास 90% संपत्ति है। किसानों को बीमा, कर्ज माफी, ओला पाले की राहत राशि के लिए किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी 80 करोड़ लोगों को गरीब बना दिया, जिनको राशन दे रही है। 84% बच्चों को बेरोजगार बना दिया, जो आज घरों में नशा कर रहे हैं। इस देश में, एशियन देशों में पाकिस्तान और बांग्लादेश से ज्यादा महंगाई कर दी। हमारे देश का जो डॉलर और रुपए का जो अवमूल्यन हुआ है, वो आज तक की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हो गया। देश में 10% लोगों के पास 90% संपत्ति पहुंच गई और 90% के पास 10% संपत्ति बची। मौलिक अधिकार लोगों का हनन होने में देश नंबर 1 हो गया, विश्व में इसका नाम घटा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।